हम गरीब हैं मगर जो हमारा संगीत है वो बहुत धनवान है। अब जो हमारे जो मंगनियार जाति में है, जो बच्चा रोता है, मेरा सी मंगनियार जाति में जो बच्चा रोता है वो बच्चा सुर में रोता है, बेसुरा वो बच्चा रोता ही नहीं है, रो ही नहीं सकता है। अब मेरा नाम अनवर खान मंगनियार है तो मैं शिव शंकर भगवान गाता हूँ, गणेश जी गाता हूँ, हनुमान जी गाता हूँ, कृष्णा गाता हूँ, सूरदास गाता हूँ, कबीरदास गाता हूँ और सूफी में भी गाता हूँ, लोकगीत, लोक भजन। और संगीत का कोई ये नहीं कि भाई जात पात है, हम अपना मन राजी करके गाते हैं, मालिक के लिए गाते हैं, हमारे जजमानी प्रथा के लिए गाते हैं, हमारे समाज के लिए गाते हैं, हम राजस्थान के लिए गाते हैं, हमारे देश के लिए गाते हैं। और मन राजी करके अपना काम करें, गावें बजावें तो मालिक भी साथ देता है। पहला हमारा 1983 में पहला टूर हमारा रहा इंग्लैंड का, एडिनब्रो, तो वहाँ गया। फिर उसके बाद वहाँ डायरेक्टर गए, चले रशिया गए, तो फिर ये मेरा पहला टूर था। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करता रहा, टूर वगैरह बढ़ता रहा। फिर मैं वापस गया घर पे, घर पे देखा मैंने कि भाई अब तो ये अच्छी चीज़ है और गाना बजाना ही चाहिए, अपने ख्याति को, अपने परंपरा को बरकरार रखना, जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा फर्ज बनता है। अब जो वक्त आ रहा है ये इलेक्ट्रॉनिका, ये कैमरा, ये मोबाइल वगैरह, इसमें थोड़ा डर लगता है। जींस पैंट और ये टी शर्ट के साथ में वो गा रहे हैं, बजा रहे हैं खाली पगड़ी डाल करके, इसको बच के रहना चाहिए। खान पान जो हमारे बुजुर्ग खाते थे वही खाना पीना करना चाहिए, वेशभूषा और अपने बुलंद आवाज़ के साथ में, अपने वाद्य के साथ में, और अपने जो घर की मिट्टी की जो सुगंध है, हमारे जो राजस्थान में कण कण जो रहती है, बालू रहते हैं, इसमें जो कण कण है उसमें गुण है, वही गुण रखना चाहिए। अपने जो मर्यादा के साथ में, अपने बुजुर्गों के साथ में जो गाया बजाया वही गाना चाहिए, ताकि कला जीवी तो कलाकार।
आजे तो हमारे बाग महादेव आए, आजे तो हमारे बाग महादेव आए, आजे तो